दोस्तों आज की कहानी है देवर जी, आप भी भूल गए आपकी भाभी कैसी थी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। कई बार रिश्तों के भी छोटी छोटी बातों बड़ा रूप ले लेती है। मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं लगती। अगर कपड़े लाने ही थे तो अपने बच्चों के लिए लाते और मेरे लिए लाते, पूरे परिवार के लिए लेकर आने की क्या जरूरत थी। सुधा अपने पति माधव से शिकायती लहजे में बोली, क्योंकि माधव टूर से लौटे हैं तो पूरे परिवार के लिए कपड़े वगैरह लेकर आए, जो पहली बार सुधा को पसंद नहीं आया। सुधा तुम आज ये कैसी बातें कर रही हो, इस घर में ऐसा कब से होने लगा। जब भी कुछ आता है तो सबके लिए आता है, जाओ सबको बुला कर लाओ, मैं अभी सबको दिखा भी दूंगा और हाथ की हाथ दे भी दूंगा। माधव ने अपनी पत्नी सुधा की बात पर आश्चर्य संकित होते हुए कहा, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा बोला, वरना वो सुधा खुद वो तो खुद ही सबको बुलाकर अपने हाथों से देती। अरे रुको, अभी देने की जरूरत नहीं है, आगे बच्चों के बर्थडे और बड़ों की एनिवर्सरी पड़ेगी, तब तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तभी दे देंगे। ऐसे फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज तुम्हें क्या हुआ है सुधा, कैसी बसकानी बातें कर रही हो, इस घर में ऐसी सोच कब से होने लगी। सब एक हैं, ऐसा हमको लगता है कि सब एक है, लेकिन अब सब बदल चुका है। मैं अपनी आँखों से देखती हूँ कि सामान आता, सुख साहब अपने कमरे में चला जाता है, ना कोई दिखाने की जरूरत समझता है, ना कोई बांटने की। फिर हम ही मान क्यों बनते रहे अपने बच्चों की, अपनी इच्छाएं क्यों मारते रहे। सबकी तरह हम भी वही करेंगे जो वह करते हैं। सासू माँ के ज़माने से यही सलाह आ रहा है कि घर में कुछ भी आए तो सबके लिए आए। मैंने भी कभी ऊप नहीं की सही मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन बाकी लोगों को बांट देती थी। अपने लिए दो वस्त्र भी मंगाती तो सास ननद सबको दिखाए बगैर कमरे में नहीं ले जा सकती थी। तीज त्यौहार ब्याई नंदों के परिवार तक के लिए कपड़े मंगवाए जाते। जब देवर देवरानी को देखती होगी वह सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही लाते हैं, यहाँ तक कि देवरानी खाने पीने का जो सामान देवर जी से लाते सब अपने कमरे में ही रखती हैं। कोई सामान नहीं दिखाना है, नहीं देना है, कोई बात नहीं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में बच्चों के साथ भेदभाव, ये मेरी बर्दाश्त के बारे। चलो इस बार लेकर आया हूँ तो देते हैं, आगे से मैं भी इस बात का ध्यान रखूँगा। जब सब अपने लिए सोचने लगे हैं तो मैं भी सिर्फ अपने लिए ही सोचूंगा। आगे से सुधा ने जो भी चीज़ लाती बिना किसी को देखे सीधे ले जाकर अपने कमरे में रख देती, और अब वह भी किसी मौके पर ही सबको कपड़ा वगैरह देती। बस वह नैना की देखा देखी कभी बच्चों में भेदभाव नहीं कर पाई। उसके लिए जैसे अपने बच्चे थे वैसे ही देवर जी के बच्चे थे। अभी तक सुधा और माधव सबके लिए करते थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उन्होंने भी सबकी देखा देखी वैसा ही करना शुरू कर दिया तो देवरानी नैना को मिर्सी लगने लगी। वो अपने पति के उल्टे सीधे कान भरती रहती। अब सुधा तो अपने देवर से देवरानी की शिकायतें करने जाती नहीं थी, लेकिन नैना इस बात का खूब फायदा उठाती और जरा जरा सी बात खूब नमक मिर्च लगाकर अपने पति राघव को बताती। वह भी अब सुधा को ही गलत ठहराते। एक दिन देवर जी किसी बात पर सुधा पर तंज कस रहे थे तो सुधा से रहा नहीं गया और बोल दी, भैया आप तो मेरे साथ इतने सालों रहे हैं, आपको कभी लगा मैं इस तरह की सलाखियों करती हूँ। मैं या आपके भाई जब भी कहीं जाते, यहाँ तक कि मैं मायके भी जाती तो आपके लिए, ननंद जी के लिए, घर में सबके लिए सामान लेकर आती थी।
कभी कोई भी खाने पीने का सामान आप लोगों से छुपा कर नहीं रखा। आप लोगों को मेरे कमरे में जाने की, मेरी अलमारी, बेड बॉक्स, यहाँ तक कि कमरे की हर चीज सुनने की, इस्तेमाल करने की आज़ादी थी। मैंने कभी मुंह नहीं बनाया। ये तो जब से नैना आई है वह ये सब बहुत करती हैं। पहले जब भी उसकी हरकतों पर टोक देती तो वह झगड़ा करने लगती थी। घर में कलह क्लेश ना हो, घर की सुख शांति बनी रहे, इसीलिए मैंने कहना छोड़ दिया और शुभ रह कर जैसे को तैसा व्यवहार करने लगी। तो शुभ को बुरा क्यों लग रहा, आप भी बताइए मैं क्या करूँ। कब तक ऐसे लोगों के सामने अच्छाई का परिचय देती रहूँ जिनके लिए कोई कीमत ही नहीं। बस मेरी आदत नहीं कि घर की एक ना बात मैं आपसे बताने आऊँ, और नैना इसी बात का भरपूर फायदा उठाती हैं। वह आपको सारी बातें ऐसे बताती हैं जैसे सारी गलती मेरी ही हो। आप भी भूल जाते हैं कि मैं कैसी थी और अब ऐसा करने क्यों करने लगी। राघव का सर शर्म से झुक गया। आप कहे तो सही रही है भाभी, गलती मुझसे ही हो गई जो नैना की बातों में आकर आपको गलत समझ लिया और उसका साथ दिया। मैं ही अगर आपको ये कहकर डांट देता भाभी ऐसी नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, तो शायद उसकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं पड़ती। देवर जी अपनी गलती समझ गए थे और उन्होंने उसे सुधार भी लिया, लेकिन उनकी पत्नी नैना अपनी करतूतों को सामने आते देख और भी ज़्यादा सीढ़ने लगे। वह अपने ही किए पर कायम रही तो फिर सुधा ने भी उसके साथ जैसे को तैसा वाला ही व्यवहार रखा, उससे निश्चित दूरी बना ली। कई बार रिश्तों के भी छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं। इन छोटी छोटी बातों से सुधा और नैना का रिश्ता जिंदगी भर के लिए खट्टा हो गया।